Hi guys, in this particular session, we are going to discuss question number 9 from your past year paper 2023 for intermediate MME. So let's start discussing question number 9. All right, so let's first read the question and then we'll see what to do about it. So the function f of two variables is defined by f of x1 comma x2. Is equals to x1 x2 whole squared. So basically aapko ek function de diya in two variables, and then the question that they're asking you is, for what values of x1 and x2 is this function quasi concave? To wo x1 aur x2 ki kaun si values hain jiske liye jo aapka function hai quasi concave hoga, theek hai? तो अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो क्वाज़ाई कॉनकेव है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ना एक सफिशिएंट कंडीशन होती है. तो वो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है वो मैं एक बार ही लिख देती हूँ. सो व्हाट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर चेकिंग क्वाज़ाई कॉनकेविटी? सो दिस इज पार्ट नंबर ए. सो द कंडीशन इज अ सफिशिएंट कंडीशन कंडीशन फॉर For the function to be quasi concave. तो function को अगर quasi concave होना है और उसके लिए जो sufficient condition है वो ये है, is that कि आपकी जो bordered Hessian matrix है, ठीक है, जो भी आपकी bordered Hessian matrix होती है उसके लिए आपके अलग अलग लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स बनते हैं, राइट? सो व्हाट इज दैट कंडीशन? द कंडीशन इज -1 रेज टू द पावर आर, दिस यू नो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स डी आर एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर आर इज इक्वल्स टू 1, 2, अप टू n, एंड फॉर ऑल द वैल्यूज, ऑल द पॉइंट्स इन योर डोमेन, ठीक है? तो ये वाली जो टर्म है ये कहाँ से आती है? ये आपकी बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स से आती है, ठीक है? सो डी आर एक्स अगर इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 0 एफ प्राइम 1 एक्स, एफ प्राइम 2 एक्स, ये इस तरीके से इधर एफ प्राइम आर एक्स तक मूव करता है, एंड देन द सेम थिंग इज हियर. And then you have double derivatives here, 1, 1, and then 1, 2, and then here 1 r, and then it keeps moving, f r 1 x, and then f double prime r r x. ठीक है, ये आपकी ये वाली जो term है ये है, and this is coming from the bordered Hessian matrix, ठीक है? सो बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स के जो अलग अलग ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, बॉर्डर्ड हेसियन डिटर्मिनेंट्स भी अगर आप इसको बोलना चाहो तो उनका यूज करके यू विल हैव टू चेक दीज कंडीशंस, ठीक है? तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे क्वाज़ाई कॉनकेव है, ठीक है? तो आई वॉन्ट इट टू बी क्वाज़ाई कॉनकेव. तो मतलब मैं सिर्फ वो वाले पॉइंट्स x1 और x2 चूज करना चाहती हूँ जहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, क्योंकि ये कंडीशन जो है एक सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन उस पूरी डोमेन के अंदर जो है क्वाज़ाई कॉनकेव होता है, ठीक है? तो माय गोल विल बी टू जस्ट फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, राइट? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू सी दैट ओके मेरा ये जो फंक्शन है, ये मेरा जो फंक्शन है इसमें x1 और x2 है, राइट? सो वॉट आई विल हैव इज, सबसे पहले तो मुझे d1x जो है वो क्या होगा, आपकी r की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो गई, 1. तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट पिक दिस, दिस इज वॉट यू विल हैव, इसका डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 f प्राइम 1 f प्राइम 1 f डबल प्राइम 1 1, दिस इज योर d1, एंड वॉट इज योर d2? d2 विल बी व्हेन 0 f प्राइम 1 f prime 2, f prime 1, f prime 2, f double prime 1, 1, f double prime 1, 2,
एफ डबल प्राइम 2 1, एफ डबल प्राइम 2 2, ठीक है, ये आपके डी वन और डी टू है, ठीक है ना। और अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो अगर आपको ये क्वासी कॉनकेव चाहिए, सो व्हेन आर इज 1 दिस बिकम नेगेटिव, सो ये जो डी आर कॉमा एक्स है, डी आर एक्स जो है, दिस शुड बी नेगेटिव व्हेन आर इज 1 एंड इट शुड बी पॉजिटिव व्हेन आर इज 2। जब आर की वैल्यू 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस शुड बी पॉजिटिव, सो दिस शुड बी लेस देन 1, दिस शुड बी लेस देन 1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो वो सारे एक्स वन कॉमा एक्स टू पॉइंट्स जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, उस कंडीशन में मेरा ये जो फंक्शन है एक्स वन कॉमा एक्स टू, ये जो फंक्शन है दिस विल बी क्वाज़ाई कॉनकेव, ठीक है, दिस इज हाउ आई हैव टू अटेम्प्ट इट। तो ये हमने लॉजिक समझ लिया है क्वेश्चन का, अब हमारे को सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे ये जो मेरा फंक्शन है इसके लिए मैं सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2 सारे निकाल लेती हूँ एंड देन वील जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द डिटर्मिनेंट वैल्यूज, ठीक है। सो माई फंक्शन, दिस इज माई फंक्शन, माई फंक्शन इज दिस, माई फंक्शन इज एफ प्राइम, या माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, दिस इज एक्स वन एक्स टू होल स्क्वेड, दिस इज एक्स वन एक्स टू होल स्क्वेड, हाँ जी मेरा फंक्शन यही है। तो अब मैं इसके सारे डेरिवेटिव्स और डबल डेरिवेटिव्स वो सब निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स डबल डेरिवेटिव्स क्या क्या होंगे, सॉरी या सो एफ प्राइम 1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल इफ यू डू पार्शियल डेरिवेटिव, सो ये एक्स टू होल स्क्वेड विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, सो यू विल जस्ट हैव एक्स टू होल स्क्वेड, ओके। एफ प्राइम 2 विल बी 2 टाइम्स एक्स वन एज इट इज एंड देन दिस इज एक्स टू, ओके। सो नाउ एफ डबल प्राइम 1 1, सो अब यहाँ पे एक्स वन तो है ही नहीं, मुझे इसी को दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन एक्स वन तो यहाँ है ही नहीं तो डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड एफ डबल प्राइम, एफ डबल प्राइम 1 2 विल बी 2x2, दिस इज व्हाट आई विल हैव, एंड देन एफ डबल प्राइम 2 1 मतलब मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन डिफरेंशिएट करना है, सो एक्स टू विल बी ट्रीटेड एज अ कॉन्स्टेंट, सो 2x2 इज कॉन्स्टेंट एंड देन एक्स वन, सो आई विल जस्ट बी लेफ्ट विद 2x2 एंड देन इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू ओनली अगेन, तो मेरे पास 2x1 जो है वो कॉन्स्टेंट की तरीके से ट्रीट हो जाएगा, सो एफ डबल प्राइम 2 2 विल बी 2 टाइम्स x1, या सो जस्ट चेकिंग दिस इज 2x2, या 2x2 इज हियर एंड देन 0 एंड देन दिस, या एंड देन दिस इज फाइन 2x2 एंड देन दिस इज 2x1, परफेक्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो अब मैं पहले डी वन निकाल लेती हूँ, सो डी वन जो है वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 एफ प्राइम दिस, सो 1 इज x2 होल स्क्वायर एंड देन एफ डबल प्राइम 1 दैट इज ऑल्सो x2 होल स्क्वायर एंड देन एफ डबल प्राइम 1 1 दैट इज 0, ओके। सो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे सो दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ x2 रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यूज के लिए आपका नेगेटिव रहेगा, सो एक्स टू की वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो आप, ये वाली जो टर्म है ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, सो दिस इज लेस देन 0 इफ एक्स टू इज नॉट इक्वल टू 0। सो बेसिकली यू कैन राइट इट लाइक दिस कि भाई एक्स टू जो है बिलोंग्स टू आर माइनस 0, सो और एंड इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट फॉर 0, बिकॉज 0 के केस में ये जो है फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वी डोंट वॉन्ट दैट, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी पहली कंडीशन कि डी वन नेगेटिव कब होगा, एंड देन द सेकेंड थिंग इज कि मुझे डी टू को पॉजिटिव दिखाना है, तो वो एक्स वन और x2 की वैल्यूज देख लेते हैं जहाँ पे डी टू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो डी टू जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सो सॉरी, डी टू
डी टू जो है वो मेरे पास हो गया 0, एक्स टू होल स्क्वायर 2x1 x2, एक्स टू होल स्क्वायर 2x1 x2 एंड देन ऑल दीज डेरिवेटिव वैल्यूज, ठीक है ना? सो दिस इज 0 0 2x2 2x2 एंड देन 2x1, ठीक है ना? तो ये मेरा डी टू हो गया. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स वन और एक्स टू है जिसके लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो लेट मी ट्राई टू फाइंड द डिटर्मिनेंट फ्रॉम फर्स्ट रो. तो पहली टर्म तो 0 हो गई, दूसरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स टू होल स्क्वायर एंड देन आई विल जस्ट बी डूइंग दिस. सो ये कितना हो जाएगा, 2x1 x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 होल स्क्वायर, परफेक्ट. सो दिस विल बी 2x1 x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू हैव एंड देन 2x1 x2. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द डिटर्मिनेंट हियर, ठीक है ना? तो ये हो गया एंड देन यू मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड देन दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0. सो आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, 2x2 होल क्यूब, 2x2 होल क्यूब, दिस इज व्हाट यू हैव, ठीक है? तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाता है, यहाँ पे मेरे पास 2x1 x2 होल स्क्वायर है, यहाँ पे 4x1 x2 होल स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल जो है वो नेगेटिव 2x1 x2 होल स्क्वायर हो जाएगा. और फिर वो नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो लेकिन ये 2x1 x2 होल पावर 4 हो गया, राइट? बिकॉज ये एक्स टू होल स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स टू होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, राइट? और फिर इस चीज को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस 2 into 2 विच इज 4x1 एंड देन x2 पावर 3 एंड x2, सो x2 पावर 4. तो ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी 6x1 x2 पावर 4, राइट? सो दिस इज वॉट वी हैव हियर. अब मुझे क्या चाहिए कि ये वाली जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो अब ये देखो 6 तो ग्रेटर देन 0 है, सो दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो है 6x1 x2 पावर 4, दिस इज ग्रेटर देन 0. इसके लिए मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है, पहली बात तो x2 जो है और x1 जो है, चलो पहले x2 पे आते हैं. तो x2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, बस वो 0 वैल्यू ना ले, क्योंकि 0 वैल्यू लेते ही वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? लेकिन बच गया ये, अब ये x1 जैसे ही नेगेटिव वैल्यू ले लेगा ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, राइट? तो यहाँ पे मेरी सारी जो कहानी है वो x1 पे रुक गई. तो x1 0 नहीं हो सकता है, सो इफ x1 इज ग्रेटर देन 0, इट कैनॉट बी 0, एंड x2 इज नॉट इक्वल टू 0, अपार्ट फ्रॉम 0 इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा. एंड यहाँ पे भी मुझे एक ही कंडीशन चाहिए थी कि x2 जो है बस 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी चलेगा, राइट? तो x2 पे तो मेरी दोनों, मुझे जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है. तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हो जाएंगी, जब x2 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले ले एंड x1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू ले लेगा, तो पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी, राइट? सो दिस फंक्शन, सो अब इस चीज को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस दैट दैट द फंक्शन एफ ऑफ x1 कॉमा x2 इज क्वाज़ाई कॉनकेव when x2 is not equal to 0 and x1 is greater than 0. So under these conditions, this particular function x1 x2 whole squared that is quasi concave and this is what was asked from us. ठीक है, तो concept हम समझ गए थे और उसके बाद हमें बस determinants निकालने थे. That was our entire problem. ठीक है, तो this problem was for 5 marks. We had to solve and explain all of these things. ठीक है, चलो. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज दिस क्वेश्चन नंबर बी.
let's see. All right, let's see what is given to us. So the question is, a discriminating monopolistic firm produces two goods whose demand functions are this. P1 is equals to 12 minus X1, P2 is equals to 36 minus 5 X2, where X1 and X2 are the quantities of two goods which are produced, and P1 and P2 are the prices of a unit of each good. Knowing the cost function is this, solve the corresponding profit maximizing problem and find X1, find X2, find P1, and find P2. So basically, a discriminating monopolistic firm is there. मतलब ये एक ऐसी फर्म है जो मोनोपोलिस्टिक है, मतलब इट्स अ मोनोपोली, ठीक है? तो वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में ध्यान देती है. एंड इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या है कि इट इज अलाउड टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस. सो यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से आप जो आइडिया लगा सकते हो वो ये है कि द फर्म इज नॉट अलाउ द फर्म इज अलाउड टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यही है. जनरली डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस का मतलब जिस जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं वो ये होता है कि कोई एक फर्म है जो एक गुड प्रोड्यूस कर रही है, और वो अलग अलग मार्केट्स में, दो अलग अलग मार्केट्स या दो से ज्यादा अलग मार्केट्स में सप्लाई कर रही है गुड्स को, एंड इट इज अलाउड टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स. तो मतलब मैं प्रोडक्ट सेम बना रही हूँ, बट हो सकता है मैं इंडिया में अलग प्राइस चार्ज करूँ, यूएस में अलग प्राइस चार्ज करूँ, वियतनाम में अलग चार्ज करूँ, कनाडा में अलग चार्ज करूँ. आई एम द सेम फर्म, ठीक है? दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट. मतलब यू आर अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कंज्यूमर डिस्पाइट यू सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन के हिसाब से मतलब है वो यही है कि वो दो अलग गुड्स जो है उनका वो प्राइस अलग रख सकती है, विच इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये आपके डिमांड्स दे दिए, ठीक है? एंड X1 X2 जो है क्वांटिटीज हैं, P1 P2 प्राइसेस हैं, एंड कॉस्ट फंक्शन भी दे दिया, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, ठीक है? तो अब अगर ये एक ही फर्म है, राइट, तो वो क्या चाहती है कि इसका ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, राइट? सो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा फर्म का, ओवरऑल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या होगा फर्म का? टोटल प्रॉफिट होगा कि जो टोटल रेवेन्यू है उसका, राइट, माइनस जो भी उसकी टोटल कॉस्ट है कि नहीं? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, फाइन. तो अब सीधा सीधा लॉजिक ये देखो कि एक तो फर्म ये वाला प्रोडक्ट सेल कर रही है, एक दूसरा प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है? पहले प्रोडक्ट का प्राइस है P1, और लेट से उसकी क्वांटिटी जो वो सेल कर रही है वो X1. तो पहले प्रोडक्ट से इतना रेवेन्यू आया, दूसरे प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू, उसका प्राइस है P2 और क्वांटिटी हो गई X2. तो ये टोटल रेवेन्यू हो गया मेरे का, मेरा दो अलग अलग प्रोडक्ट को सेल करके, ठीक है? माइनस मेरी कॉस्ट क्या थी कि अगर मैंने X1 और X2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं दो गुड्स के, तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 2X1X2, और यहाँ पे फिर ये -15. सो दिस इज माई प्रॉफिट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ठीक है? तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया. मुझे एज अ मोनोपोलिस्ट क्या चूज करना पड़ेगा कि मैं पहली गुड़ की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ और दूसरी गुड़ की कितनी क्वांटिटी मैं चूज करूँ जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. तो P1 जो है उसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ. P1 इज नथिंग बट 12 माइनस X1 टाइम्स X1, राइट? प्लस P2 जो है वो क्या हो जाएगा, P2 इज 36 माइनस 5 X2, सो दिस इज P2, एंड देन X2, इसको X2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2X1X2 माइनस 15, ठीक है? दिस इज व्हाट वी हैव डन. तो अब हमें क्या करना है, हमें तो भाई वो X1 और X2 चूज करनी है जिससे ये जो हमारा मोनोपोली है इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. पाई इज जस्ट द टर्म व्हिच इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रॉफिट्स, यू विल डू इट इन योर लेटर सेमेस्टर्स, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी, ठीक है? चलो, तो अब क्या करना है, अब आपको इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेल पहले विद रिस्पेक्ट टू X1, देन विद रिस्पेक्ट टू X2, एंड देन वेन एवर वी सॉल्व द वैल्यूज, वट एवर वैल्यूज वील गेट फॉर X1 एंड X2, दे विल बी माई प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वान्टिटीज, ठीक है? ऑल दो वी आर नॉट
शोइंग कि ये डेफिनेटली मैक्सिमम होगा, बट इन सच प्रॉब्लम्स यू डोंट हैव टू गो टू द सेकेंड स्टेप एंड यू नो शो अलग से कि ओके वाई दिस इज यू नो मैक्सिमा ओनली. सो जो आपके प्रॉफिट मैक्सिमा जो आपके मैक्सिमम मिनिमा निकालने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा होता है कि आपको सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस चेक करनी है, ओनली देयर यू आर सपोज टू डू दैट. इन्होंने बोला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है निकालना है, तो यू कैन जस्ट फिगर आउट द वैल्यूज एंड यू कैन सॉल्व फॉर द कंडीशंस दैट यू आर गेटिंग. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन फर्स्ट. तो क्या होगा, 12x1 में से 12, x1 में से 2x1, एंड यहाँ पे x1 की तो कोई टर्म है नहीं, यहाँ पे है x1 की टर्म, तो ये कितनी हो जाएगी, -2x2, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, प्रॉफिट को विद रिस्पेक्ट टू x2 मुझे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे तो x2 की कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 -5, एंड देन 2 कम्स डाउन, सो दिस इज 10x2, एंड यहाँ पे ये जो टर्म है ये वाली, इससे कितना आ जाएगा मेरे पास, -2x1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो मेरे पास ये दो कंडीशंस हैं, इन दोनों का मैं यूज़ करके आराम से x1 और x2 की वैल्यू मुझे निकालनी है. ठीक है, तो देखो क्या आएगा वैल्यू. तो दिस कंडीशन इज, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, x1 + x2 इज इक्वल्स टू 6, एंड ये जो कंडीशन है ये हो जाएगी, x1 + 5x2 इज इक्वल्स टू 18, राइट. तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, व्हाट डू यू गेट, यू विल बी गेटिंग -4x2 इज इक्वल्स टू 18, में से 6 माइनस करेंगे तो होगा 12, एंड देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर, तो -12. सो x2 विल बी 3, x2 इज 3. सो इफ x2 इज 3 बाय द फर्स्ट कंडीशन, x1 इज ऑल्सो 3, तो x1 x2 दोनों 3 3 हो गए. ठीक है, एंड उन्होंने आपको ये बोला था कि x1 और x2 तो निकाल दिया, p1 p2 निकालना है. p1 क्या है, 12 -x1, x1 है 3, तो 12 -3 इज 9, राइट. सो p1 वैल्यू, p1 इज 9, एंड p2 वाज 36 -5 टाइम्स x2, 36 -5 टाइम्स x2, x2 इज 3, सो दैट इज 36 -15, सो दैट गिव्स अस 11. यस, सो दैट गिव्स अस 11. सो x2 की वैल्यू हो गई 3, x1 की वैल्यू हो गई 3, p1 वैल्यू हो गया 9, एंड p2 वैल्यू हो गया 11. ये चार वैल्यूज आपको निकालनी थी. ठीक है, नाउ इफ आई ऑल्सो हैव टू डू द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन चेकिंग, जस्ट टू चेक, जस्ट टू कंफर्म कि ये मेरा मैक्सिमा है कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हमारी जो सफिशियंट कंडीशन रहती है वो क्या रहती है कि वॉट इज़ आर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर सफिशियंसी. सो अगर आप ये शो कर दो कि आपका जो f" (1, 1) है, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, राइट, एंड f" (2, 2) जो है, दैट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0, एंड आपका f" (1, 1), f" (2, 2) माइनस f" (1, 2) होल स्क्वायर, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, देन जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट आया है x0, y0 इज माई मैक्सिमम पॉइंट. दिस इज माई मैक्सिमम पॉइंट. तो जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव दोनों जीरो करके कंडीशन निकाली थी, उससे क्या हुआ, मेरे स्टेशनरी पॉइंट आ गया. मेरा स्टेशनरी पॉइंट क्या आया, जब x1 वैल्यू 3 है, x2 वैल्यू 3 है, राइट. तो ये स्टेशनरी पॉइंट ही मेरा मैक्सिमम है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन योर डोमेन, आपके सारे x1 और x2 वैल्यू इन योर डोमेन के लिए अगर ये चीज वैलिड है, तो जो है हमारा ये जो x0, y0 या फिर x1, यू कैन से x1 नॉट एंड x2 नॉट, दैट इज गोइंग टू बी योर मैक्सिमम पॉइंट, राइट. तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन चेक दैट ऑल्सो. तो ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन था जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव था, प्रॉफिट फंक्शन था जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 था,
ठीक है, तो मैं ये जो हमारा पाई वन वन जो है वो क्या होगा, इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल फिर से डिफरेंशिएट करना है, दैट गिव्स मी -2, राइट, एंड देन पाई टू टू व्हाट इज दैट, इसको विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल डिफरेंशिएट करना है, सो दैट गिव्स मी -10, एंड इसको विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंशिएट करना है, सो दैट गिव्स मी अगेन -2, एंड इसको विद रिस्पेक्ट टू वन करोगे तो दैट ऑल्सो गिव्स यू -2, एंड बोथ शुड बी द सेम अकॉर्डिंग टू यंग्स थ्योरम, सो ये जो पाई वन टू है दैट इज गोइंग टू बी -2, राइट। तो अब मैं ये वाली कंडीशन चेक कर लेती हूँ, तो पहली चीज तो ये है कि भाई ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन वैलिड है, ये भी लेस देन इक्वल टू जीरो है, ये भी वैलिड है, राइट। तो अब इनके प्रोडक्ट्स माइनस इसका स्क्वायर ये देख लेते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स कितने हो गए, -2 टाइम्स -10 माइनस दिस होल स्क्वायर, सो दिस होल स्क्वायर गिव्स मी 4, सो दिस इज 20 -4 व्हिच इज 16, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो पाई 1 1 पाई 2 2 माइनस पाई 1 2 ये जो है होल स्क्वायर, दिस टर्न आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो बिकॉज दीज ऑल दीज कंडीशंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड, इसीलिए ये जो मेरा स्टेशनरी पॉइंट आया एक्स नॉट वाई नॉट विच वॉज दिस, दिस वॉज माई मैक्सिमम पॉइंट इन डीड, ठीक है। तो आप ये चीज भी आप कर सकते हो यहाँ पे, सो हेंस एक्स वन इज इक्वल्स टू 3 एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू 3 इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू, फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लेट्स मूव ऑन टू द, वील बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।